ये देखो क्या मस्त लग रहा है। क्या है नमन भाई, ये क्या है? चार मीनार। दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, सैटरडे संडे का, और लॉकडाउन के दिन ही मैं जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए गाइस, क्योंकि आपके वीडियो के लिए, ब्लॉग के लिए। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मम्मी वगैरह यहाँ बैठी है रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये मेरा भाई है, और मेरी भाई की बेटी है हनी, और ये रही मेरी भाभी। और अभी दिखाएंगे मतलब बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं, थंबनेल एंड टाइटल मतलब आपने देख ही लिया किस जगह जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं और चलो गाइस। ओके, तो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये है क्राउन प्लाजा, अपना सबसे दिल्ली का सबसे बड़ा होटल है क्राउन प्लाजा, ओखला फेस 1 पे पड़ रहा है ये, और दिल्ली पे। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का सबसे बड़ा पहाड़। तो हम पहाड़ की वादियों में आए हैं घूमने के लिए, अभी दिखाता हूँ आगे की तरफ, देखना आगे, अभी आगे दिखाऊँगा मैं पहाड़। यहाँ का दिल्ली का सबसे बड़ा पहाड़ ओखला फेस 1 में जो पड़ता है, देखो। तो गाइस जैसा ही देख सकते हो ये मतलब अभी हम जा रहे हैं इस रोड से, तो यहाँ पर देखो यार बिल्कुल रस बिल्कुल बहुत कम है, क्योंकि अभी आज लगा हुआ है सैटरडे संडे का यहाँ पे लॉकडाउन दिल्ली पे। तो जैसे ही देख सकते हो बिल्कुल बहुत कम भीड़ है, नहीं तो इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करती थी, मतलब आज तो बिल्कुल नहीं है, सैटरडे संडे 2 दिन का लॉकडाउन है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़, जैसे ही देख सकते हो कैमरे में दिख रहा होगा ये रहा पहाड़ हमारा, ये देखो पहाड़। और गाइस ये बताऊँ किसका पहाड़ है, आप आगे से आके देखना, देखो उस पहाड़ के ऊपर चील बिल कैसे घूम रहे, देखो ये देखो पहाड़। मेरे कैमरे में पता नहीं साफ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। और गाइस देखो ये हॉस्पिटल है, ESIC, ये हॉस्पिटल फ्री में इलाज होता है यहाँ पे, जाइए देख सकते हो हेरा चला गया। और ये रहा गाइस पहाड़, और बताऊँगा इसी किस चीज़ का पहाड़ है, ये कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली में जितने भी कूड़े वगैरह वगैरह आते हैं सब यहीं पर आते हैं, और ये रियल में कूड़े का पहाड़ है गाइस। कैमरे उतना शायद से साफ नहीं आ रहा होगा, पर ये पहाड़ कूड़े का है, देखो देखो इसका पार्क भी बना रखा है, देखो, और इसका पार्क भी है कूड़े का पार्क, ये देखो कूड़ा है, ये देखो गाइस सब कूड़ा है, कूड़ा है। और चील वगैरह देखो कितनी सारी घूम रही है, बदबू यहाँ तक आ रही है, सी कितना गंदा बदबू आ रहा है। ये रही कूड़े वाली गाड़ी, ये सब खाली होके आ रही है, सब कूड़े की गाड़ी है, ये रही जितने भी कूड़े हैं सब इधर ही जाते हैं। और भाई यहाँ खुशबू से हमारे ऑटो में सब लोग फ्लैट हो गए, देखो सब मास्क मुंह से लगा के फ्लैट हो गए, वो इतनी भयंकर खुशबू आ रही है। हाँ तो खुशबू आ रही है यहाँ पे, और मरने वाला बिल्कुल जहर। और आपकी वीडियो के लिए कर रहा हूँ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और अभी और आगे भी दिखाऊंगा आगे जाके। तो गाइस जैसा ही देख सकते हो लॉकडाउन के चक्कर में, देखो पूरा बस खाली खड़ी है यहाँ पे, पीछे से देखो पूरा बस खाली खड़ी है, और आगे पुल जाम है क्योंकि पुल में पूरा पानी भरा हुआ है। और देखो ये बस भी खाली जा रही है, खड़ी है स्टैंड पे होने, खड़ी है स्टैंड पे होने जा रही है, जैसे सारी बस खाली खड़ी है, सारी बसें देखो सब खाली खड़ी है यहाँ पे, देखो जाने नहीं दे रहे बड़ी गाड़ियों, देखो पूरा रोड खाली है, पानी क्योंकि सामने वहाँ पे पुल है उधर, और वहाँ पे पानी भरा रहता है हमेशा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सूरज कुंड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं सूरज कुंड हरियाणा पड़ता है इस जगह पे, तो सूरज कुंड पे अभी हम आए हुए हैं। और ये जैसा कि देख सकते हो पीछे जितने भी दिख रहे हैं ना छपरा के, वो घर जैसा, मतलब यहाँ पे सब में वो मार्केट वगैरह लगता है। और सूरज कुंड का मेला बहुत फेमस मेला है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं सूरज कुंड के मेला पे, और
फरवरी एक से लेकर पूरा एक फरवरी महीना भी लग सकता है, ऐसे कुछ भी लगता है। तो इस बार तो शायद से मुश्किल ही लगेगा क्योंकि लॉकडाउन है, और अगर लगेगा तो गाइस ज़रूर घुमाऊंगा आपको भी। और ये मेरा भाई है, जैसा ही देख सकते हैं जरा, नमन नमन भाई, मैं भी और दिखाऊंगा, कवर करूंगा यहाँ पे। मतलब एक जगह है कुंड करके, यहाँ पे कुंड, तो उस कुंड को भी दिखाऊंगा जहाँ पे राजा की मतलब बीवी वगैरह वाइफ वगैरह यहाँ पे मतलब स्नान वगैरह करने के लिए आती थी इस जगह पे, तो वो जगह भी दिखाऊंगा। और चलते हैं अभी आगे की तरफ, देख लो क्या मस्त जगह है। और भाई बड़े मुश्किल से आए हैं इस जगह पे, कीचड़ कीचड़ भाई, पूरा पेंट वेंट सब खराब हो गया, जूते वूते चप्पल वप्पल, तो दिमाग ख़राब हो गया यहाँ तक आने में। और गाइस लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर आपकी तरफ से बनता है। तो चलो अभी आगे की तरफ चल रहे हैं, तो दिखाता हूँ आगे का सीन बस। ओके, तो ये मेन गेट है भाई, बंदरों की पूरी झुंड है इस जगह पे, तो डर सा लग रहा बहुत। ये देखो भाई, हमारे नमन भाई ने तो ले लिया बल्ला, और बल्ला देखते बंदर तो हो गए गायब, काटेंगे तो हम भी छील देंगे, वैसे कुछ करेंगे नहीं, हमें भी कुछ नहीं करना है, आराम से नमन भाई, ज़्यादा तेज मत चलो, मेरे को डर लग रहा है। ये देखो जितने भी मतलब दिख रहे हैं ना स्टॉल जैसे, ये घर जैसे, यहाँ पे सब स्टॉल वगैरह लगती है यहाँ पे सूरजकुंड के मेला के दिन 1 फरवरी को। तो बढ़िया एरिया बिल्कुल, पीछे से तो नहीं आ रहा कोई, कहीं पीछे से आके धप्पा बोल दे। ये देखो गाइस, अगर आप यहाँ पे आओगे ना सूरजकुंड के मेला में, तो एक दिन में मुश्किल ही घूम पाओगे, इतनी बड़ी एरिया है, पूरा एरिया एक नंबर है। और अंधेरा भी होने वाला है, जैसा ही देख सकते हो मौसम कैसा गड़बड़ा रहा है। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं अपने वीडियो को। और भाई आवाज़ तो बड़ी भयंकर आ रही है बंदर की, ओ भाई क्या मस्त जगह लग रही है, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़। ये देखो ये भाई इन्हें जान दो। इनकी हो गई लड़ाई, जान दो। 5 मिनट बाद लड़ लेते यार, निकल जाते इधर से। चलो ओके। तो गाइस मतलब अंदर जाने के लिए लग रहा है टिकट, और अभी हम आए शाम के टाइम पे, तो टिकट लेनी पड़ेगी, और 25 रुपये का एक टिकट है। और अभी मैं टिकट ले नहीं रहा हूँ क्योंकि हम हो रहे हैं लेट, और यहाँ 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लग रही है, और अभी बज रहे हैं 6, तो हमें अपने घर भी जाना है ओखला की तरफ, तो इसलिए लेट हो जाएंगे। और कुंड में आपको बाहर से दिखा देता हूँ कैसा कुंड है, तो बाहर से आपको दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ से फिर चल रहे हैं आगे की तरफ। तो गाइस दिखाता हूँ, देख सकते हो ये रहा मेरे पीछे कुंड, आगे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। देखो गाइस जरा देख सकते हो ना, ये सामने कुंड है, तो यहाँ पे मतलब राजा रानी वगैरह अपने स्नान करने के लिए यहाँ पे आती थी। ये देखो अपने, तो और आगे की तरफ दिखाता हूँ। ये देखो जितनी भी जगह दिख रही है ना, जिस दिन सूरजकुंड का मेला लगेगा ना, उस दिन देखना भाई क्या मस्त सजाया जाएगा इस जगह को। और लोग भी हैं यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं निब्बी निब्बा वगैरह मस्त मस्त एरिया भाई पूरा सजा। ओ ये कौन है, ओ भाई ये देखो क्या मस्त लग रहा है। क्या है नमन भाई, ये क्या है? चार मीनार। कभी गए तो नहीं है, तो गाइस अगर आप गए नहीं हो तो यहीं से देख लो चीप कॉपी चार मीनार का। देखो और मस्त फोटो शूट होगी इस जगह पे, क्या मस्त लग रहा है। ये देखो रील्स वगैरह फोटो वगैरह बनाना हो तो बना सकते हो यहीं पे। आयशा बिल्कुल जंगल लग रहा है, बिल्कुल जंगल भाई, गांव वाली याद आ रही बिल्कुल। ये आ गया जंगल में, पीछे वाले रास्ते से चलते चलते अब हम आ गए बाहर की तरफ, सूरजकुंड से बाहर आ गए हम मेन गेट की तरफ। तो गाइस मतलब सूरजकुंड के एरिया में से तो मैं बाहर आ चुका हूँ मेन रोड पे, जैसे देख सकते हो वहाँ पे मेन रोड है, और यमन भाई भी खड़ा है अपना।
और स्विच कुंड पूरा कवर नहीं कर पाया। और गाइस ये फर्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसको, और सेकंड पार्ट में आपको मैं सब चीज़ दिखाऊंगा, कुंड वगैरह भी दिखाऊंगा, आसपास की सारी जगह दिखाऊंगा। तो आज तो मैं कवर नहीं कर पाया गाइस, उसके लिए सॉरी। और अगर आपने मेरा आउट ऑफ कंट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना गाइस उसको भी। और ये मेरा इंस्टाग्राम की आइडिया है, इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लो, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, आपके एक लाइक से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है गाइस। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।